नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और मैं बलवंत सारण आपका स्वागत करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का मूल अधिकार, और मूल अधिकार के अंदर भी हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है। जैसे 19 से 22 तक जो दिया हुआ है क्या क्या बात कही गई है, क्योंकि यही लंबा है। उसके बाद एक वीडियो और बनेगी, अपना अधिकार खत्म हो जाएगा, क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार उस पर भी थोड़ा टाइम लगता है। पीछे वाली वीडियो हमने देखी होगी, उस पर समझने वाली चीज़ें थी, अच्छे से समझी। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी सी संवैधानिक लैंग्वेज है, थोड़ी सी टफ होती है, ठीक है, उसको आसान बनाने की हम कोशिश करेंगे, हमारा दायित्व है। ठीक, कल हमने किया था समानता का अधिकार, क्या किया था, समानता का अधिकार। आपको पता ही है मौलिक अधिकार 12 से 35 वर्णन है, भाग 3 में वर्णन है इनका, ठीक है ना। मैग्ना कार्टा का आ गया है 1215 में, जॉन स्मार्ट सम्राट ने इसका यूज किया था। आप अगर मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हो तो आपको फायदा है, रेगुलर आप वीडियो देख रहे हो तो मैं कह रहा हूँ आपको फायदा है, शुरू से अब तक देखिए, क्योंकि मैं रिविजन करवाता रहता हूँ साथ साथ में। पूरी आपने पढ़नी है पॉलिटी, ठीक है, पूरी पढ़ेंगे तब तक अपने को जितना भी पीछे वाला है ना वो एकदम स्टिक याद हो जाना चाहिए, ठीक है। रट्टे मारने नहीं है कोई चीज़ के रट्टे, तब हाँ आपको ट्रिक भी तब समझ में आती है जब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप ट्रिक कहाँ लगा पाओगे, ट्रिक आपके दिमाग में नहीं आएगी जब तक बातें जुड़ती नहीं। छोटी से छोटी बात को दिमाग कम याद रख पाता है, लंबी बात को दिमाग ज़्यादा याद रख पाता है ना, देखा भी होगा, कहानियाँ ज़्यादा याद रहती है, एक शब्द कम याद रहता होगा, है ना। तो समानता का अधिकार हमने पढ़ा था कल, हमने 14 से लेकर 19 तक इसकी बात की थी, या 18 तक की थी, देख लो, ठीक है। बिल्कुल आदमी मूर्ख हो गए हैं भैया, ठीक है। पांच अधिकार समानता के अधिकार में हमको दिए गए हैं, पांच क्या है, अनुच्छेद थे। हमने उसके अंदर पढ़ा विधि के समक्ष समानता, यानी कानून पढ़ा था हमने, जाति धर्म लिंग भेद वंश और जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी के साथ। नौकरी में सबको, नौकरी या लोक नियोजन के समक्ष सबको समानता। छुआछूत का अंत कर दिया था, किस प्रकार से किया था वो तो कल वाली वीडियो में पढ़ता चलेगा। अस्पृश्यता यानी छुआछूत, उपाधियों का अंत कर दिया था कल, उपाधियों का भी अंत हो गया था भैया, उपाधियों का अंत कर दिया था। तो ये समानता के अधिकार हमने पढ़े थे, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर और 18 नंबर, पांच प्रकार के समानता में पांच प्रकार के अनुच्छेद, और उसके अंदर किस किस प्रकार के समानता का जिक्र किया है हमने कल डिस्कस कर लिया, है ना। रिवीजन करवाना ज़रूरी होता है ताकि आपको याद रहे। दूसरा है हमारा, जैसे हमारे पास मूल अधिकार में 7 मूल संविधान के अंदर कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन उसको ख़त्म करके 1978 में 44वें संशोधन द्वारा हमने पता है संपत्ति का अधिकार हमसे छीन लिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया, और 6 अपने पास रहते हैं। उनमें से एक समानता का अधिकार रहा, दूसरा स्वतंत्रता, ठीक है ना, और तीसरा शोषण के विरुद्ध, आगे आगे देखेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं 19 से लेकर 22 तक, यानी 19, 20, 21 और 22, 4 पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें पढ़ेंगे हम स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, किस किस प्रकार की, राइट टू फ्रीडम, किस किस प्रकार की आपको स्वतंत्रता दी गई है। एक सेकंड रुक जाओ भैया, बारिश का मौसम है, पता नहीं एक दो मच्छर कहाँ से आ जाते हैं ना, और फिर खाए जाते हैं। अब हमें किस किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है और कैसे कैसे हम जिक्र करेंगे, यानी स्वतंत्रता का मतलब मौलिक अधिकार हमें स्वतंत्रता भी देते हैं, किस प्रकार की स्वतंत्रता देते हैं वो 19, 20, 21, 22 के अंदर हम पढ़ते हैं, यानी 4 अनुच्छेद किसके बारे में, स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा। तो अनुच्छेद 19 का हम जब जिक्र करते हैं, किसका, 19 का, तो 19 भी आगे कई भागों में बांटा गया है,
कई भागों में बांटा गया, याद करेंगे साथ साथ देखना है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 19 एक कह लो या ए कह लो, ए बताता है अभिव्यक्ति और बहुत ज्यादा पूछा जाता है अभिव्यक्ति, वह वाक की स्वतंत्रता, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आप पहले तो इसको ऐसे याद करना है, ए से अभिव्यक्ति, क्या याद करना है, ए से अभि, इसका मतलब होता है एक्सप्रेशन करना, कोई चीज़ को आप बोल के बताना, आपके विचार, अभिव्यक्ति का मतलब विचार प्रकट करना, ठीक है। वाक का मतलब बोलने की स्वतंत्रता, दोनों शब्द समझ में आने चाहिए, ठीक है। अभिव्यक्ति यानी अभिव्यक्ति और बोलने की हमें स्वतंत्रता है, क्या है हमें बोलने की स्वतंत्रता, हम बोल सकते हैं कुछ भी नहीं बोल सकते, यानी ऐसी चीज़ है। स्वतंत्रता का मतलब क्या है, आपको इतने स्वतंत्र नहीं बनाया गया अभी आप दूसरों को नुकसान पहुंचा दो अपनी स्वतंत्रता के लिए दूसरों, यानी वहां तक वो आप कुछ भी बोल सकते हो जिससे दूसरे के नुकसान ना हो रहा हो, किसी को मानहानि ना हो रही हो, ठीक है ना, किसी के कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो, देश के संविधान के बारे में आप कुछ गलत नहीं बोल सकते, देश के बारे में कुछ नहीं गलत बोल सकते, किसी के दूसरे के बारे में आप कुछ गलत नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो ये स्वतंत्रता है बोलने की और अपने विचार प्रकट करने की, आप विचार लिख के भी प्रकट कर सकते हो, बोल के भी प्रकट कर सकते हो, रिकॉर्ड करके भी प्रकट कर सकते हो, ठीक है ना। तो विचार देने की, आपका विचार क्या है, किसी के बारे में आप क्या सोचते हो, ठीक है ना, विचार देना। अभिव्यक्ति विचार, अपने विचार दूसरों के सामने रखना, क्लियर है। दूसरी वाक बोलने की, विचार तब प्रकट कर पाओगे जब बोलने, यानी बोलने की भी आपको स्वतंत्रता है, लेकिन जब तक आपको स्वतंत्रता है यानी जब को आपको फ्रीडम है, जब तक आप उससे देश के बारे में गलत ना बोले या देश का कोई नुकसान ना हो, ठीक है ना, आप किसी के दूसरे के खिलाफ बोल के ऐसा उसके मानहानि, उसके विचारों को, उसकी स्वतंत्रता ना छीन ले, मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, किसी दूसरे का आपके विचारों के कारण या आपके अभिव्यक्ति या बोलने से दूसरों के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं ना, उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, क्लियर हुई। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको दी गई है, क्लियर है, बोलने की स्वतंत्रता। इसी के अंदर दो चीज और डाली गई है 2004 के अंदर, ठीक है ना, 2004 और 2005 में दो बातें यहां पर डाली गई है, दो हजार चार में आपको सबको बताया, ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हुआ है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता भी इसके अंदर डाल दी गई है 2004 में, और आपको पता भी है नवीन जिंदल के प्रयास से हुआ था ये, किसके प्रयास से झंडा फहराने की स्वतंत्रता मिली थी, तो ये हमें 2004 के अंदर नवीन जिंदल जो है, जिंदल के बारे में सब जानते हैं, जिंदल फैक्ट्री हो गई, जिंदल जो है मतलब जिंदल एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है भाई, तो उनके बारे में आप जानते भी होंगे, नवीन जिंदल ने मतलब रिट लगा के इस प्रकार से भी इस झंडा फहराने की हमें स्वतंत्रता मिली थी। कोई भी व्यक्ति झंडा फहरा के अपना देश के प्रति प्रेम जागृत करता है या प्रेम भावनाएँ वो अपने उजागर करता है तो झंडा फहराने की, लेकिन इसके लिए कुछ भी रिस्ट्रिक्शन है, उसका मतलब क्या है भी नियम होना चाहिए, जैसे इसका अनुपात 3:2 होना चाहिए, इस प्रकार ऊपर वाला रंग कैसा होना चाहिए, बीच वाला कैसा, तो वो चीज़ें हम झंडे के बारे में पढ़ाऊंगा, एक पूरा लेक्चर रहने वाला है झंडे पे, ठीक है ना। तो झंडा फहराने की स्वतंत्रता है लेकिन कायदे में रह के, ऐसे नहीं कोई चीज़ की स्वतंत्रता है लेकिन उसके रोक भी है, एक हद है उसकी, कोई चीज़ की स्वतंत्रता है तो उसकी एक हद है, हद से आगे आप नहीं जा सकते, ठीक है ना। 2005 के अंदर आपको एक दिया गया था हक, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, तो ये भी पूछ लिया जाता है 19A के अंदर है ये,
ठीक है ना, 19, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तब मैंने बताया राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी आप किसी भी आप मतलब नागरिक हैं तो आप किसी के बारे में, यानी कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे सेना के बारे में आप आरटीआई नहीं लगा सकते, सेना की गुप्त चीज़ें हैं, प्राइवेसी है, जो कोर्ट के अंदर या संविधान के अंदर लिखा भी इनकी प्राइवेसी लीक नहीं होनी चाहिए, तो उनकी प्राइवेसी आप उनके बारे में नहीं पूछ सकते। बाकी किसी भी सरकारी मतलब कोई संस्था है उसके बारे में आपको जानना है, कोई MLA MP के बारे में आपको जानना है, वो उम्मीदवार किस प्रकार से है, तो वो क्या करते हैं, आप RTI लगा दो, राइट टू इन्फॉर्मेशन। या आपका कोई काम नहीं हो रहा है, यानी कोई काम नहीं हो रहा, सरकारी काम अटका हुआ है, तो आप RTI लगा दो, भाई मेरा इस प्रकार से मैंने ये काम शुरू किया था लेकिन वो काम आज तक नहीं हुआ है, तो उसका मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका है, आप RTI लगा सकते हो, RTI लगाने के बाद आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। और उसका प्रोसीजर होता है वो भी हम बताएंगे, भी कितने दिनों के अंदर आपको जवाब मिलेगा, उसमें नहीं मिलता है तो दोबारा RTI लगा दो, उसके बाद भी कुछ आपको प्रोसीजर, आप बाकी वकील से मिल लेना या एडवोकेट से, वो अपने आप बता देगा। विभाग होते हैं अपने अपने, ठीक है, हर लाइन में एक वकील जो होता है अपना एक्सपर्ट होता है, उस लाइन के केस चुनता है, तो RTI के भी आप लगा सकते हो, देख सकते हो जाके कोर्ट के अंदर, है ना। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी किसी के बारे में जानने का अधिकार, किसी के बारे में जानने का अधिकार, सूचना। आप ऐसे नहीं है अभी मैं मेरी RTI लगा दो आप मेरे बारे में जान लो, ऐसे कैसे जान पाओगे भैया, मेरा भी तो अधिकार है ना, प्राइवेसी का अधिकार, ठीक है ना, मेरा भी तो अधिकार है ना, प्राइवेसी का अधिकार, तो सब चीज़ें मेरे बारे में नहीं जान पाओगे आप, है ना। तो वो आप किसके बारे में जान सकते हो, गवर्नमेंट के बारे में जान, पब्लिक के बारे में जानने का तो कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका अधिकार भी क्या है, प्राइवेसी का अधिकार है, ठीक है। वो पढ़ेंगे हमें किस प्रकार निजता का अधिकार जो एक हमें दिया गया है, क्लियर है क्या। 2005 एक यहाँ पे और डाला गया है, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की, प्रेस वो नहीं है यहाँ पे जो आप सोचते हो भी प्रेस की, प्रेस करने की स्वतंत्रता नहीं, ये मीडिया की बात कर रहा है, ठीक है ना, मीडिया की बात कर रहा है, जिसे हमें चौथा स्तंभ बनाया गया है, ठीक है ना। प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस वाले कुछ भी अफवाह फैलाते रहते हैं, ये इसके कारण फैलाते रहते हैं, इन पर केस वेस नहीं होता, गलत खबर छाप देते हैं, तो बोलने की स्वतंत्रता उनको, अधिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। वो कुछ भी बता देंगे, कुछ ऐसी ऐसी खबर बता देंगे, आपको मिस गाइड करेंगे, ठीक है, जी चाहे बोलते रहेंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे, गलत सलत बोलते रहेंगे, तो उनको ये स्वतंत्रता दी गई है, ये प्रेस की स्वतंत्रता है, वो बोल सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं, हो सकता है वो गलत भी हो, सकता है वो सही भी हो, वो तो आगे की बात है, ठीक है। बोलने की स्वतंत्रता है, तो प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के अंदर, ये स्वतंत्रता तो बहुत लंबा नाम भैया, है ना, बहुत खतरनाक है। तो फ्रीडम जो है 19A या 19(1) भी लिखा आ सकता है यहाँ पे, 19(1), ठीक है ना, 19(1) के अंदर अभिव्यक्ति और वाक की स्वतंत्रता, विचार या बोलने की स्वतंत्रता कह सकते हो। 2004 में झंडा फहराने का मिल गया था हमें, भी आप झंडा फहरा सकते हो अपने घर पे, उनके लिए भी कुछ है, रात को झंडा नहीं फहरा सकते, किस समय नहीं फहरा सकते, ठीक है, उसके भी कारण है, रीजन है, ऐसा नहीं है अभी झंडा लेके आप जी चाहे मर्जी जब फहराना शुरू कर दो तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ना। 2004 में, 2005 में RTI आपको सूचना का अधिकार मिला, और प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंदर आती है, तो 19(1) के अंदर आपको क्या दिया गया है, 19(1) के अंदर आपको ये इस प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया। अनुच्छेद 19 सॉरी भाई मैं साफ कर देता हूँ इसको, है ना। तो इसके साथ ही आप लिख लो झंडा फहराने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता और RTI, तीनों इसके अंदर है, छोटे से छोटे नोट्स बना लो, काम आएगा आपको। झंडा फहराने वाला 2004 में मिला था, RTI 2005 में मिली थी आपको, ना। तो प्रेस की स्वतंत्रता भी आपको मिली हुई है। अनुच्छेद 19 है और उसका कौन सा भाग है, बी क्या कहता है, बोलने की स्वतंत्रता आपको है, विचार प्रकट। तो विचार कहाँ करोगे, अपने घर में कमरे में बंद थोड़ी करोगे, है ना, क्या बनाओगे, संघ बनाओगे, है ना, क्या बनाओगे, संघ बनाओ, नहीं 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 नहीं, आप क्या करोगे, क्या कर सकते हो आप, वो धरना नहीं कह सकते आप उस बात को यार, ठीक है, हाँ सभा को एक और शब्द, सभा तो पता ही था, आप उसको क्या कर सकते हैं भी, लोग इकट्ठे कर सकते हैं, विचार अपने अच्छे हों, लोग सुनने आएंगे ना, और
जब इकट्ठे आएंगे तो सब सुनने आएंगे तो उसको क्या बोल देते हैं, सभा, यानी कई लोगों के एक साथ होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सभा। ठीक है, तो बी से आपको याद करना है, बी से आपको बिना, ठीक है ना, बिना अस्तर शस्त्र। ठीक है, तो आप बिना अस्त्र का मतलब सभा बना सकते हो, ठीक है ना। तो यहां लिख लो यहां पे निशस्त्र सभा करने की स्वतंत्रता। क्लियर हो गया भाई? ठीक, आप निशस्त्र, शस्त्र का मतलब आप सभा, मतलब 10 लोग इकट्ठे कर सकते हो, आप 100 लोग इकट्ठे कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। जिस प्रकार आप धरना देते हो या आप सभाएं इकट्ठे करते हो, मीटिंग बुलाते हो, तो वहाँ पे आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसका कारण होना चाहिए। कारण क्या है? एक तो वो शांतिपूर्वक बैठे रहे भैया, ठीक है ना, शांतिपूर्वक, कोई ऐसा काम ना करें जो सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा हो या सरकार को नुकसान पहुंचा रहा हो, या मतलब जैसे ट्रैफिक जाम कर लेते हो आप, वो भी तो दिक्कत है, वहाँ पे सभा नहीं कर सकते आप, सभा शांत एरिया में होते हैं ना, ठीक है ना, शांत। तो सभा बनाने का अधिकार आपको है, तो निशस्त्र सभा करने का स्वतंत्रता है आपको। निशस्त्र का मतलब उस सभा के अंदर कोई शस्त्र अस्त्र शस्त्र नहीं लेके जा सकता, ठीक है ना, अस्त्र शस्त्र नहीं लेके जा सकता, ये बात याद रखना, कोई हथियार लेके नहीं जा सकता, यानी बिना हथियार सभा करने का, करने की आपको स्वतंत्रता है। वहाँ पे कोई पिस्टल लेके सभा में जा रहा है तो वो मौलिक अधिकार के खिलाफ हो जाएगा, फिर आपको पेला जा सकता है ना, फिर आपको पेला जा सकता है, देख लेना, फिर कहोगे जी ये क्या हो गया। तो बिना हथियार शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार आपको है ना, तो वो किस में है? तो बी से याद करोगे बिना, याद करने के लिए कुछ चाहिए, बी से बिना, बिना का मतलब अस्त्र शस्त्र आपके पास, बिना हथियार कह सकते हो यार। AK-47 लेके चला जाए, बिल सभा कर रहा हूँ जी, मेरा अधिकार है जी। क्या अधिकार है? सभा करने का अधिकार है, रगड़ देंगे भैया, ठीक है ना। तो बिना शस्त्र आपको करना चाहिए सभा करने है। तो 19C की बात आती है, सी से आप याद करो स, सी से स, तो संघ बनाने का अधिकार, यूनियन, संघ बनाने का अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता शब्द कहा गया ना, बहुत स्वतंत्रता हो गई। संघ बनाने की स्वतंत्रता, यूनियन, यूनियन तो सुना होगा आपने, ठीक है ना, जिस प्रकार आपने कोई देखा होगा मजदूर यूनियन, ठीक है, ये यूनियन, रेल यूनियन, ठीक है, और यूनियन देखी होगी आपने, शोषण के विरुद्ध यूनियन, SC ST यूनियन, संघ। तो ये संघ क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी आप एक लीगल संघ भी बना सकते हो जिसके अंदर आप किसी के प्रति या किसी के दूसरे गलत के खिलाफ आवाज़ उठा सको, कोई गलत काम हो रहा है तो आवाज़ उठ, जैसे रेलवे के अंदर संघ बने हो, यूनियन बनी हुई है, वो क्या करती है जब कोई भी गलत काम होता है या कर्मचारियों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है या कर्मचारियों के खिलाफ कोई ऐसी बात कही जाती है जिससे कर्मचारियों का शोषण हो रहा हो, पीड़ित हो रहे हो, वो तो वो आवाज़ उठाती है, ठीक है ना। तो ऐसी आवाज़ उठाने के लिए संघ बनाना, यानी यूनियन, यूनियन तो आप जानते हो, स्कूल में यूनियन हो, कॉलेज में यूनियन हो गई, टीचर्स यूनियन हो गई, अधिकारी यूनियन, अलग अलग प्रकार की यूनियन है। वो क्या करते हैं? वो सरकार के खिलाफ, मतलब क्या करते हैं, अपना आंदोलन करते हैं, गलत के खिलाफ करते हैं, सही के खिलाफ थोड़ी कर पाएंगे, गलत के खिलाफ, उनको गलत लगता है तो उनका आंदोलन करते हैं। तो संघ बनाने की आपको स्वतंत्रता, आप संघ बना सकते हो, 4 बंदे अगर रजिस्टर करवा लो भी हमारी संघ है तो आप बना सकते हो। संघ भी कई कई प्रकार की होती है, वो भी आगे कभी जिक्र करेंगे, ठीक है ना। तो संघ बनाने की स्वतंत्रता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 19 जो है ना, 19 आ गया डी, ठीक है ना, 19D, डी को हम 4 भी कह सकते हैं, मैंने कहा था भी इसको 2 आप कह सकते हो, इसको 3 कह सकते हो, 4
चार का मतलब चार, चार यानी चारों दिशाओं में घूमने की स्वतंत्रता, वाह, ठीक है ना। कहीं भी जाओ, है ना, कहीं भी जाने का मतलब नहीं है। भारत के किसी भी, भारत की बात करें, किसी भी स्थान पर विचरण, विचरण का मतलब है घूमना, की स्वतंत्रता। तो चार का मतलब यहाँ पे चारों दिशाओं में, 19 डी डी का मतलब चार, चार डीप चार पे जाता है ना, तो 19 चार भी लिखा मिल सकता है आपको ना। तो चारों दिशाओं में, भारत की चारों दिशाओं में घूमने की स्वतंत्रता, सब चाहते हैं ना घूमे घूमे घूमे, तो भारत में सभी दिशाओं में घूमने की स्वतंत्रता है आपको। कहीं पे भी जाके आप घूम के आ सकते हो, आप चाहे ईस्ट में जाओ, आप वेस्ट में जाओ, आप नॉर्थ में जाओ, आप चाहे साउथ में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे तमिलनाडु कन्याकुमारी जाओ, ची जम्मू कश्मीर जाओ, चाहे अरुणाचल प्रदेश जाओ, चाहे गुजरात जाओ, चाहे महाराष्ट्र जाओ, कोई दिशा में, किसी दिशा में जाके आप घूम के आ सकते हो। किसी राज्य में आपको घूमने की स्वतंत्रता दी गई है। भैया घूमो अपने पैसे से, कितने ही घूमो, है ना, भारत के पैसे। तो घूमने की स्वतंत्रता चारों दिशाओं में, चला रे बटुरवा। ई, ई से क्या बनेगा, देखो ई से बना इष्ट, इष्ट यानी इष्ट इष्ट इष्ट, ईस्ट वेस्ट यानी ईस्ट वेस्ट, पूर्व पश्चिम। आपको निवास करने की स्वतंत्रता कौन सी है, ई के अंदर क्या आता है, निवास करने की। भारत के किसी भी स्थान पे, किसी भी स्थान पर निवास करने की स्वतंत्रता यानी बसने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। कुछ हैं जो ज़्यादा लंबे हैं और उनको पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है निवास करने की स्वतंत्रता किसमें दी गई, तो 19 के किस भाग में दी गई, तो 19 ई में दी गई है। ईस्ट वेस्ट याद करो, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट जाओ वेस्ट जाओ, ईस्ट में रहो वेस्ट में रहो, पूर्व में रहो पश्चिम में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले जम्मू कश्मीर में आपको नहीं रहने की स्वतंत्रता थी, तो आप वहाँ पर जाके अपना बस सकते हो, 6 महीने रह लो, 12 महीने रह लो, आपको वो शहर पसंद आ गया तो आजीवन रह लो वहाँ पे, आप संपत्ति खरीद सकते हो, संपत्ति खरीद सकते हो, खरीद के वहाँ पे रह सकते हो। कहीं पे भी जाके आप प्रॉपर्टी, जैसे आप यहाँ के गुजरात में जाके प्रॉपर्टी खरीद लो, चाहे हिमाचल में, बिहार में, कहीं जाके प्रॉपर्टी खींच के अपने नाम करवा के वहाँ पे रहना शुरू कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये आपकी स्वतंत्रता है। 19 के अंदर, ई के अंदर कहा गया भी भारत के किसी भी स्थान पर, चाहे आप जम्मू कश्मीर रहना चाहते हो वहाँ रह सकते हो, चाहे आप तमिलनाडु रहना चाहते हो वहाँ रह सकते हो, चाहे आप गुजरात महाराष्ट्र जहाँ रहना चाहते हो, उड़ीसा झारखंड बिहार जहाँ रहना चाहते हो ना, वहाँ रह सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा, कोई सरकार इसके खिलाफ आपको कोई कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार है। जहाँ रहो मस्त रहो, खूब रहो, नाचो गाओ खेलो कूदो, है ना। अनुच्छेद ई के बाद आ गया एफ, ठीक है ना। एफ का मतलब फ्लैट, फ्लैट से याद करना है अपना, एफ का मतलब फ्लैट। और फ्लैट आपकी क्या है भी, निवास करोगे तो संपत्ति चाहिए। अरे निवास करने के लिए क्या चाहिए, संपत्ति चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ से आप दूसरी तरीके से भी याद करेंगे ना, फ्लैट, फ्लैट क्या है, संपत्ति है, तो ये संपत्ति का अधिकार था आपका, तो संपत्ति का अधिकार, इसको यहाँ पे याद करना इसलिए ज़रूरी है। आप काटेंगे इसको लेकिन वहाँ पे फिर याद नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अब ये अधिकार नहीं है, ये बात याद रखना, इसको 301 के अंदर डाल दिया गया है 44वें संविधान संशोधन से, और 1978 की ये बात है। संपत्ति का अधिकार भी, आप संपत्ति कितनी भी रख सकते हो, वो आपको अधिकार था, लेकिन क्या हुआ, सरकार के बाद आड़े आने लगी बार बार, ठीक है ना। दोनों के अंदर थोड़ा फर्क था, एक 31 भी है ना और ये कि ये भी, तो 31 और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें ये फ़र्क है भी, एक तो दादा लाई संपत्ति है,
पूर्वजों की संपत्ति और एक आपके खरीदी हुई संपत्ति, दोनों का थोड़ा थोड़ा फर्क था, ठीक है ना। तो दोनों को यहाँ से निकाल दिया भी, आपने खरीदी हो चाहे दादा लाई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सरकार उसको आपके लाभ के लिए या पब्लिक के फायदे के लिए, क्योंकि सरकार क्या काम करती है, सरकार का मतलब एक मोटिव होता है, सरकार का मोटिव होता है पब्लिक को फायदा पहुँचाना ज़्यादा से ज़्यादा, पब्लिक के फायदे के लिए वो कोई ज़मीन आपकी ले रही है अपने कब्जे में, तो आपको देनी पड़ेगी, आप रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि पहले आप रोक लगा सकते थे 1978 से पहले, मौलिक अधिकार है जी मेरा, मैं तो नहीं दूंगा। कहीं पे मतलब सड़क बन रही है मान लो और आपकी ज़मीन बीच में आ गई, आपने मना कर दिया, मैं तो नहीं दूंगा, मेरा मौलिक अधिकार है, कैसे छीन लोगे। वो कह रहा है मुआवजा दें, ना 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 मुझे नहीं चाहिए मुआवजा, आपा तो अड़ियल है भाई, मेरी दादा लाई ज़मीन है, ठीक है, क्या मेरी दादा लाई ज़मीन है, आपा नहीं देंगे। तो अब सड़क बन के लंबी आ गई, आपकी 2 एकड़ ज़मीन बीच में पड़ती है, दे दो। अब पड़ोस वाला ऐसे कहते भी यहाँ से दे दो, यहाँ से जाने दो, ठीक है मैं नहीं दूंगा। तो इधर होके सड़क ऐसे 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 निकाली जाए तो फ़ायदा होगा, तो सरकार को इस चीज़ का नुकसान होने लगा, बार बार आप जैसे मतलब या मेरे जैसे तत्व जो है परेशान करने लगे। तो क्या कर दिया, इसको कानूनी अधिकार बना दिया, सरकार जी चाहे आपके जो जब चाहे आपकी संपत्ति को मुआवजा दे के, कई बार 3 गुना 10 गुना दे के आपके संपत्ति को पब्लिक के लिए या कुछ भी बना सकती है वहाँ पे, ठीक है, उसका भी रीजन होता है, कारण होता है, सब ऐसे नहीं बना सकते मान लो, क्लियर। तो संपत्ति का अधिकार आप क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया गया है, क्लियर हुई बात। अनुच्छेद 19 EFG, जी से आपके पास आया गोल्ड, जी से क्या आया गोल्ड, और गोल्ड का मतलब सोना, तो सोना आपके पास है तो आप क्या कर सकते हो, वो व्यापार कर सकते हो, क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। तो रोजगार करने की स्वतंत्रता या रोजगार की स्वतंत्रता, ये लास्ट हो गया भैया। रोजगार की स्वतंत्रता का मतलब है आप कोई भी काम कर लो, सरकार आपको नहीं रोकेगी क्योंकि आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है, उसका दायरा होता है, उसको देखना पड़ेगा। अभी आपको इस कह के नहीं रोकेगी भी तू इस प्रकार का आदमी है, तू ये काम नहीं कर सकता, तू नाई नहीं है, तू बाल नहीं काट सकता, ठीक है, तू सुनार नहीं है, सोना नहीं बेच सकता, तू जोरी नहीं है, तू हीरे नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप जो चाहे, आप चाहे कोई भी जाति से हो, कोई धर्म से हो, कोई किसी प्रकार का, आप सभी नागरिकों को स्वतंत्रता है, वो कोई काम कर सकता है। कोई काम का मतलब वो काम रोजगार के लिए कोई काम कर सकता है, चाहे मुझे मार्कर मैं बेच सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं बोर्ड बेच सकता हूँ, मैं फ़ोन बेच सकता हूँ, ठीक है, मैं नौकरी कर सकता हूँ, सरकारी कर सकता हूँ, मैं प्राइवेट कर सकता हूँ, ठीक है, अपना प्राइवेट बिजनेस कर सकता हूँ, मैं किसी प्रकार से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी करने का मतलब मैं कोई भी काम कर सकता हूँ जो मेरी आजीविका के लिए जरूरी हो, कोई व्यापार कर सकता हूँ, समझ में बताई। तो कोई भी रोजगार, सरकारी प्राइवेट, जैसी आपकी इच्छा हो, आपकी इच्छा जो हो उसके अनुसार आप कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दिक्कत मेरे को हो रही है भैया, ठीक है। तो ये आपकी स्वतंत्रता, देखो इसको याद कैसे किया जाए, क्लियर है। ये सारे याद करने पड़ेंगे आपको, करने का कारण देखो, ए से आप अभिव्यक्ति याद कर सकते हो, बी से बिना, सी से संघ, डी से चारों दिशाओं में, ई से यहाँ पे ईस्ट वेस्ट भारत में कहीं निवास कर सकते हो, एफ से फ्लैट, फ्लैट से संपत्ति, संपत्ति से हमें याद आया भी है तो हमारा अधिकार रहा नहीं है, अब फ्लैट, फ्लैट आपके क्या संपत्ति है, यानी आपका फ्लैट है ना। अनुच्छेद गोल्ड, सोना बेच सकते हो भाई, सोना बेच सकते हो, इसका मतलब व्यापार है, रोजगार है, क्लियर हुई बात, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो इस बात को, अभिव्यक्ति यानी आपको बोलने की स्वतंत्रता, हाँ जी बोलने की, अगर आप बोलोगे और आप क्या करोगे, विचार प्रकट करोगे अपने, बोलोगे क्या करोगे, विचार, जैसे विचार प्रकट करोगे तो लोग सुनने के लिए आएंगे, सुनने के लिए आएंगे तो वो क्या हो जाएगी, सभा हो जाएगी, जैसे विचार प्रकट करोगे लोग सुनने के लिए आएंगे वो सभा हो जाएगी, ठीक है ना। एक मक्खी है बहुत परेशान कर रही है बेचारी, चली जा फायदे में रहेगी, और कायदे में रहेगी तो फायदे में रहेगी, यहाँ नुकसान हो सकता है, फिर कहेगी
क्या हो गया जी, ठीक है, महिलाओं पे हाथ उठाना वो वैसे भी जुर्म है ना। संघ बनाने की, जैसे ही सभा हुई, सभा मतलब आपने विचार प्रकट किया, जैसे ही सभा हुई तो चार पांच लोग इकट्ठे हुए, नहीं चार पांच से कुछ नहीं होने वाला, बहुत लोग इकट्ठे करने हैं अपने को, इस रूप को लीगली तैयार करके आप क्या करें, यूनियन बना लेंगे, यानी क्या बना लेंगे, हमें संघ बना लेंगे। जैसे ही आपने संघ बनाई, संघ बना के कहे हाँ चलो अब संघ तो बन गया, अब चलते हैं घूमने, ठीक है ना, तो आपको घूमने की स्वतंत्रता मिल गई, ठीक है, कहीं पे भी घूमो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आप घूमने गए, आपको पसंद आ गई कोई चीज़, वहाँ पे आपने क्या कर दिया, रहना शुरू कर दिया, निवास करना शुरू कर दिया। जैसे ही आपने निवास किया, निवास का मतलब क्या था, निवास के साथ, निवास वो आपकी क्या होगी, ठीक है, निवास किया, अच्छा लगा, पाँच छः महीने रहे, आपने संपत्ति खरीद ली, वहाँ पे किराए पे रहे पहले, फिर अपनी संपत्ति, अपना फ्लैट ले लिया मान लो, ठीक है, तो निवास, ठीक है, और संपत्ति करके फिर आपको गुजारा करने के लिए वहाँ घूमने से ऐसे काम तो चलेगा नहीं, आपने क्या कर दिया, कोई ना कोई व्यापार करना शुरू कर दिया, या वहाँ पर आपने कोई रोज़गार देख लिया, तो एक दूसरे से लिंक हो सकती है अगर करना चाहो तो। यानी विचार दिए, क्या किया आपने, विचार दिए, जैसे ही आपने विचार दिए तो आपको पता है सभा होगी, यानी चार पांच लोग सुनने के लिए अच्छे विचार है, तो सभा होगी तो सभा से संघ बन जाएगी, एक बड़ी यूनियन बन जाएगी आपके ना। यूनियन जैसे ही बनी, आपने सोचा चलो घूम के आते हैं, ठीक है, घूमने गए, घूमने गए तो वहाँ पर आपको क्या आ गई कोई चीज़, मतलब वो जगह पसंद आ गई, आपने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया, यानी आपने निवास कर लिया वहाँ पर, आपने निवास किया, आप काफ़ी दिन रहे और मज़ा आया, आपने कहा भी एक घर का ही ले लेते हैं, अपना घर ले लेते हैं, संपत्ति खरीद ली, और संपत्ति खरीद दी तो उसके बाद आपको वहाँ रह के ये तो है नहीं, फ्री रहोगे, कोई ना कोई काम करोगे, रोज़गार करना शुरू कर दिया, तो ये स्वतंत्रता जो है आपकी वो किसके अंदर दी गई है, 19 के अंदर, ठीक है, और इसको हटा दिया गया, मैं फिर बता देता हूँ याद करने के लिए, क्योंकि ये है, हटा दिया गया तो भी याद करना पड़ेगा, कौन से अनुच्छेद हटाकर 300A में डाले गए हैं, तो 19F और 31, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगी, हाँ जी याद हो जाएगा, आप बोलने की स्वतंत्रता बिना हथियार, सभा करने की स्वतंत्रता निशस्त्र, ठीक है ना, उसके बाद संघ बनाने की, सभा करने की स्वतंत्रता है तो संघ बनाने की है, निवास करने की है, विचरण करने की है, ठीक है, संपत्ति है और रोजगार की हमें स्वतंत्रता है, ठीक है ना। झंडा प्रेस की स्वतंत्रता RTI 19A के अंदर है, 19A के अंदर, काश कहीं ऐसा किन्नान सिने। अब हम 20 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 20 अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22, ठीक है, 22 के बाद 23-24 भी पढ़ लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा। अपराधों के समक्ष 20 क्या कहता है, 20 से आप याद करो, 20 किसी बंदा क्या कर सकता है, 20 अपराध कर सकता है, ऐसे याद करो, 20 अपराध कर सकता है, ठीक है, फिर भी उसको माफी मिल जाती है ना, तो दोष अपराधों के समक्ष, दोष सिद्धि का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, दोष सिद्धि का अधिकार, इस बात को समझेंगे आप। अगला है प्राण एवं देहिक संरक्षण की स्वतंत्रता, प्राण व देहिक संरक्षण की स्वतंत्रता, तीनों बात आराम से समझ लेंगे, कुछ भी नहीं है। ये आ गया गिरफ्तारी व नज़रबंदी, गिरफ्तारी व नज़रबंदी के समक्ष संरक्षण, एक के अंदर 19 के अंदर हमने बताया था किस किस प्रकार की आपको स्वतंत्रता दी गई है। अब आपको स्वतंत्रता अपराधों के समक्ष दोष सिद्धि का अधिकार, जैसे आपने कोई अपराध कर दिया, मान लो अपराध कर दिया या न किया वो बात बाद की है, आपने अपराध का मतलब आपने कोई क्राइम किया, ठीक है ना, तो क्राइम करने जैसे ही आपके घर में पुलिस आएगी, ठीक है ना, और पुलिस आने के बाद आपको क्या करेगी, उठा के ले जाएगी,
क्या लेगी, उठा के ले जाएगी। अब जिस समय आपने अपराध किया ना, उसके लिए आपको एक बार में एक दोष के लिए एक, यानी 20 अपराध किए आपने, कितने अपराध किए 20, तो आपको सज़ा कितनी होगी 20 प्रकार की होगी, ठीक है ना। 20 अपराध 20 सज़ा, ऐसे याद कर लो, 20 अपराध 20 सज़ा, 20 अपराध से आप याद करोगे 20 अपराध कर लिए आपने, ठीक है ना। तो एक, यानी एक बार अपराध किया आपने तो आपको एक बार सज़ा हो सकती है, ठीक है ना। एक बार अपराध के लिए एक बार सज़ा, और दूसरी बार सज़ा नहीं दी जा सकती, दूसरी बात। तीसरी बात क्या है, समय के खिलाफ गवाही नहीं दी जा सकती। तीनों बात आराम से लिखूंगा, मैं टेंशन मत लेना। और एक बात ये कहता है, समय के खिलाफ गवाही नहीं दी जा सकती, और जिस समय आपने अपराध किया था मान लो, उस कानून के हिसाब से आपको सज़ा दी जा सकती है। तीन बात आपको याद रखनी है इसके अंदर। यानी किसी बंदे ने अपराध कर दिया, बात ही खत्म हुई, गिरफ्तार हो गया, न्यायालय ने उसको क्या सुना दी, सज़ा सुना दी, ठीक है। एक बार उसने सज़ा सुना दी, पहली बात तो क्या है, पानी पी लेता हूँ मैं थोड़ा सा। पहली बात तो कोई एक अपराध करता है तो एक अपराध के लिए एक बार सज़ा दी जा सकती है, याद रखना, एक अपराध के लिए एक बार सज़ा हो सकती है। किसी को 307 लग गई या 302 लग गई, 302 के लिए जो सज़ा का प्रावधान है, उसने कत्ल किया, 302 लगी, 302 लगने के बाद उसने सज़ा काट ली, अब दोबारा उसको पकड़ के ला के दोबारा नहीं ठोक सकते भी, आपने जब कत्ल किया था उसकी सज़ा आपको दोबारा हो जाएगी, उसको बचाने भी एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा दी जा सकती है। ये आपका क्या है, मौलिक अधिकार है। दोबारा आपको उसी केस के अंदर गिरफ्तार किया जाता है, भी आपने उसकी सज़ा पूरी कर ली और दोबारा अगर गिरफ्तार किया जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़े हो सकते हो, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट में जाके आप खड़े हो सकते हो भी, मेरे को इस प्रकार से मेरी दूसरी एक अपराध के लिए दोबारा सज़ा हुई है, तो एक अपराध के लिए एक बार सज़ा। दूसरी बात, आपको उस कानून के हिसाब से सज़ा दी जाएगी। जैसे मैंने आज कोई अपराध किया, ठीक है, आज जो कानून है ना, कल क्या हो जाए परसों क्या था मुझे कोई फर्क नहीं है, कल क्या था कल क्या होगा, आज मैंने अपराध किया, आज मेरी गिरफ्तारी हो गई, ठीक है ना, आज मैंने जो अपराध किया और आज मेरी गिरफ्तारी हो गई, ठीक है। तो मैंने जिस समय अपराध किया है उस समय के कानून के द्वारा मेरे को सज़ा दी जा सकती है ना। कल हो सकता है कल ऐसा कानून आ जाए, आज ये कानून आ जाए भी पढ़ाने में कोई जुर्म नहीं है, ठीक है, कल को ये आ जाए भी आपके पास इतनी डिग्रियां हैं तो आप पढ़ा सकते हो, तो मैंने मतलब क्या कर दिया, ये अपराध है उस आज तक मैं पढ़ाना, कल वो कानून आए, कल मैं ना पढ़ाऊँ तो वो मैं अपराध भी नहीं होगा, समझे बात। यानी आज जो कानून है ना, उस कानून के हिसाब से सज़ा मिलेगी, कल क्या कानून आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कानून बदलते रहते हैं। तो पीछे वाले हैं, आपने देखा होगा किसी को जो मतलब छेड़खाने में हो गई या किसी ने रेप कर दिया, उसकी सज़ा होगी, तो पहले के प्रावधान और अभी प्रावधान जो हैं गैंग रेप के अलग हैं, तो वो सज़ा काट रहे हैं, ये नहीं है अभी आज कानून बदल गया तुमको उस कानून के हिसाब से सज़ा होगी, ऐसा कुछ नहीं। यानी जिस समय अपराध उसी समय का कानून के द्वारा आपको सज़ा हो सकती है। तीसरी बात हमने बताई थी, एक तो एक अपराध के लिए एक बार सज़ा मिल सकती है आपको, बार बार सज़ा नहीं मिल सकती। दूसरा, जिस समय अपराध हुआ अपराध यहाँ लिख लेना, उसी कानून से सज़ा हो सकती है, उस समय के कानून से सज़ा हो सकती है, न तो पहले वाले से हो सकती है आपको और न उसके बाद वाले से आपको सज़ा हो सकती है। दो बात आपको मैंने बताई, ठीक है ना। तीसरी बात क्या बताई थी मैंने, अगर आप समय के खिलाफ गवाही देने से मजबूर नहीं कर सकता आपको, ये बात भी अच्छी है, आपके खिलाफ समय के खिलाफ गवाही देने से मजबूर नहीं किया जा सकता, ठीक है, स्वयं के खिलाफ, यानी मैंने अपराध किया और मैंने कह दिया मान लो, मजबूर नहीं किया जा सकता मेरे को, ठीक है ना, मैं अंकारता हूँ या हाँ जी मैंने किया, वो तो बात ही अलग है,
ठीक है ना। लेकिन मेरे को मजबूर नहीं किया जा सकता भी प्रताड़ित करके मेरे से ये कह दिया जाए भी हाँ मैंने ये सज़ा अपराध किया था। जैसे पुलिस जो है, आपको पता भी होगा, कई बार ऐसे ऐसे केस भी आते हैं जहाँ पर झूठा भी हाँ भर लेता है मुजरिम, जूतों के डर से भर लेता है भाई, पटे के डर से भर लेता है, पिटाई के डर से, रिमांड के डर से भर लेता है, ठीक है ना। तो आपने देखा भी होगा पुलिस की गवाही मान्य नहीं होती अदालत के अंदर, कभी भी पुलिस को गवाही के लिए नहीं कहा जाता भी आप गवाही दो, इसने अपराध किया था, ठीक है ना। पुलिस के सामने आपने क्या बोला, थाने में आपने क्या बोला, कोर्ट के अंदर वो मायने नहीं रखता, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पे माना जा सकता है अभी आपको गवाही क्या दिलाई, मजबूर करके गवाही दिलाई जा सकती है, अपने खिलाफ़ कुछ भी लिखने के लिए मजबूर किया जा सकता है, ठीक है। तो स्वयं के ख़िलाफ़ गवाही देने से मजबूर नहीं करती कोर्ट आपको, अगर ऐसा होता है तो आप मौलिक अधिकार में का हनन हो रहा है, ठीक है ना। तो आपने कोई अपराध किया तो आप अपने खिलाफ़ गवाही नहीं दोगे, आपको मजबूर नहीं किया जा सकता। ये कौन सा कहता है, अपराधों के समक्ष दोष सिद्धि का अधिकार। भी अपना अपराध तो किया लेकिन हम दोष को सिद्ध करने का अधिकार है, यानी उसके बाद भी हमें अधिकार दिए गए हैं। भी एक सज़ा, एक अपराध के लिए दो सज़ा नहीं है, बहुत से दिए गए हैं यहाँ पे, मतलब अपने को पढ़ने तीन ही हैं, ठीक है। जिस समय हुई उस कानून से सज़ा, और एक समय के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर है, नहीं किया जा सकता। यानी 20 20 20 ऐसे कर लो, 20 हमने दोष किए और 20 ही हमें सजा हो गई, ठीक है ना। प्राण दैहिक स्वतंत्रता, प्राण दैहिक संरक्षण की स्वतंत्रता। प्राण का मतलब हमारी जान, ठीक है। देही अपनी देह, देह का मतलब होता है यहाँ पे शरीर, ठीक है ना। शरीर यानी शरीर और प्राण दोनों के संरक्षण की हमें ज़रूरत है, और उनकी संरक्षण की स्वतंत्रता में हम संरक्षण कर सकते हैं। यानी किसी के बाप में दम नहीं है हमारे शरीर को टच भी करें, ठीक है ना। कि ये बाप में भी दम नहीं है टच करे जब तक आप गलत ना हो, ठीक है ना। आपको किसी को मारने की स्वतंत्रता नहीं, आपको कोई थप्पड़ भी नहीं मार सकता कानून के हिसाब से, आपको थप्पड़ भी नहीं मार सकता, चाहे आपने अपराध किया या नहीं किया वो तो कोर्ट की बात है, थप्पड़ भी नहीं मार सकता। अपने को सुरक्षित रहने का अधिकार है, यानी अपने शरीर को सुरक्षित रखना, अपने प्राणों को, आपकी कोई जान नहीं ले सकता, ठीक है। जान लेने की कोशिश करता है 307 लगती है IPC के द्वारा, है ना, मारता है 302 लगती है। यानी आपको सुरक्षा दी गई है, मौलिक अधिकार, आपका मौलिक अधिकार है अपने प्राणों की रक्षा करने का, ठीक है। सेल्फ डिफेंस भी होता होगा, आपने सुना होगा फिल्मों वगैरह में, ठीक है। तो आप सुरक्षित हो, और ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है वो आपको सुरक्षित रखे, क्या रखे, सुरक्षित रखे, ठीक है। भी आपके प्राणों को सुरक्षित रखे, चाहे वो पर्यावरण की बात हो, अगर पर्यावरण प्रदूषण है तो आप सरकार के खिलाफ क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण है तो इससे हमें बचाया जाए, क्योंकि हमें मौलिक अधिकार, जीने का अधिकार, आपको जीने का अधिकार है, भी जीने दिया जाए हमें। अगर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, मान लो कोरोना का आया, आपको वैक्सीन लगाए गए, सरकार कहती हम तो नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाओगे भाई, आपको जीने का अधिकार है इस देश के अंदर, आपके जीने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो सरकार को क्या करवानी पड़ेगी, उपलब्ध करवानी पड़ेगी। तो इसके अंदर दो चीज़ें और भी जोड़ी गई है, आप याद रखो, एक तो पर्यावरण, और चार न्यायालय भी इसके, हरित न्यायालय सेट किए गए हैं इसके, है ना, जिसका मुख्यालय दिल्ली में, पर्यावरण व स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएँ सरकार उपलब्ध करवाएगी, सुविधाएं सरकार उपलब्ध करवाएगी, ये कहा गया। पर्यावरण को स्वस्थ बनाने में सरकार की मुख्य भूमिका रहेगी, और स्वास्थ्य सुविधाएं भी आपको फ्री में देने की कोशिश करेगी सरकार, ठीक है ना। आपकी प्राण की, प्राण वह किसकी स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, शरीर को स्वस्थ रखने की आपको स्वतंत्रता दी जाती है, ठीक है। आगे एक संविधान संशोधन आया था, हाँ, 86वां संविधान संशोधन था, और 2002 की बात थी, ठीक है। इसके अंदर एक जोड़ा गया शिक्षा का, 21A जोड़ा गया, ये पूछ लिया जाता है कई बार, 21A शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। और इसके अंदर क्या है, 6 से 14 वर्ष की उम्र तक फ्री यानी निःशुल्क शिक्षा का समाधान है, प्रावधान है, यानी सरकार, ठीक है ना,
फीस वगैरह ले रही है अभी, इस पर मुद्दा तो बनाई गया, आपको पता ही ना, प्राइवेट है सरकारी है। 86वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? 2002 के अंदर हुआ था। उसके अंदर एक और जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार, 21A के अंदर शिक्षा के अधिकार में। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब वो पढ़ने से उसको कोई नहीं रोक सकता, सरकारी स्कूलों में उसकी फ्री शिक्षा दी जाएगी उसको 6 से 14 यानी 8वीं क्लास तक, 6 से शुरू होता है और 8वीं क्लास तक उसको फ्री शिक्षा दी जाएगी और इसे पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता स्कूल के अंदर, ये 21A कहता है। तो उसे पढ़ने की भी स्वतंत्रता है, पढ़ने की स्वतंत्रता है 6 से 8, फ्री में पढ़ने की स्वतंत्रता है, ठीक है। 21A कहता है पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करना भी आपके प्राण व दैहिक संरक्षण की स्वतंत्रता के अंदर आता है 21 के अंदर, क्लियर है। यानी आपको कोई चोट भी नहीं पहुंचा सकता, न सरकार पहुंचा सकती है, न पब्लिक पहुंचा सकती, आपको अपने शरीर की रक्षा करने का अधिकार है, स्वतंत्रता है, ठीक है ना, ठीक। आपके शरीर को चोट भी नहीं, ये तो प्राण दैहिक संरक्षण की, संरक्षण मतलब रक्षा, प्रोटेक्शन करने की आपको सुरक्षा है ना। अगला है गिरफ्तारी और नज़रबंदी के समक्ष संरक्षण, यानी अपराध किया और गिरफ्तार हो गया बंदा, तो गिरफ्तारी के बाद आपके पास क्या अधिकार है? एक तो आपको गिरफ्तार कर लिया तो 24 घंटे के अंदर, ठीक है ना, 24 घंटे में आपको न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। ये बात भी याद रखना, आपको पुलिस 2-3 दिन ऐसे नहीं रख सकती, ठीक है ना भी, आपको 2-3 दिन रख ले भी वहाँ पुलिस की गिरफ्तार में, थाने में पड़े रहोगे आप, नहीं 24 घंटे। यानी अब 5 बजे गिरफ्तार किया और तो कल 5 बजे तक, इसी टाइम के 5 बजे तक मान लो, या आप 12 बजे किया तो कल उस टाइम के 12 बजे से पहले पहले आपको किस में भेजना पड़ेगा? न्यायालय में भेजना पड़ेगा। इसके अंदर दो चीज़ें नहीं होती है, एक तो न्यायालय में जाने का, आपको गिरफ्तार करके लेके आए, ठीक है, और न्यायालय में जाने का लगे यात्रा समय कह सकते हो आप, यात्रा का समय कितना है वो काउंट नहीं होता। प्लस अगर हो रही है छुट्टी, कोर्ट की छुट्टी है, ठीक है, तो वो काउंट नहीं होता, दो चीज़ें काउंट नहीं होती। 24 किसी बंदे को गिरफ्तार कर लिया जाता है किसी अपराध के लिए, पुलिस गिरफ्तार करके लेके आती है, तो 24 घंटे वो क्या हवालात में रख सकती है, ठीक है। हवालात के बाद उसको न्यायालय में पेश करना पड़ेगा, उसके बाद न्यायालय क्या कहेगा, जेल में भेजेगा, कहा देगा, रिमांड देगा, किस प्रकार से वो करेगा भी, किस प्रकार का अपराध है उस प्रकार से ट्रीट करके उसके साथ होगा। यानी 24 घंटे तक पुलिस क्या कर सकती है, कोई अपराधी को अपने गिरफ्त में रख सकती है, यानी गिरफ्तारी के बाद नज़रबंदी हो गई ना, ठीक है। उसके बाद कोई आपको पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो आपको पूछने का अधिकार है भी, आपको गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार है, कारण पूछने का अधिकार है, यहाँ आपका मतलब क्या हुआ, कारण पूछने का अधिकार है, ठीक है। ये 22 के अंदर कारण पूछने का, 22-2 के अंदर 24 घंटे में, 22-3 के अंदर वकील करने का, तो इस प्रकार से भी दिया गया, मैं अलग अलग भी पढ़ा सकता हूँ। तो ये क्या 22 है, वैसे 2 का है भाग 2, ये 22-1 का है, ठीक है, और एक 22-3 और पढ़ा दूंगा। तो ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 22-3 ना, ये क्या कह रहा है देखो भी, 24 घंटे में न्यायालय में पेश करना है, उससे पहले आपको गिरफ्तार करने से पहले आपको गिरफ्तार करने पुलिस आई हो तो आपका पूरा अधिकार है, ऐसे उठा के नहीं ले जा सकती चल तुम, आपका पूरा अधिकार है भी, आप पूछेंगे उनसे भी मैं गिरफ्तार किस जुर्म में हो रहा हूँ, हो सकता है गलत तरीके से आ गए हो भी, मैं किस जुर्म में गिरफ्तार हो रहा हूँ, मेरा अपराध क्या है, आपको पूछने का अधिकार है, ठीक है, आपको पूछने का अधिकार है, किस मौलिक अधिकार है ये आपका 22 भी, आप पुलिस वालों से पूछेंगे भी मैं किस जुर्म में गिरफ्तार या किस अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा हूँ, ये पूछने का आपको अधिकार है, ठीक है, और उन्हें बताना पड़ेगा, गिरफ्तार करने से उन्हें बताना पड़ेगा, अगर नहीं बताते हैं तो आपके मौलिक अधिकार का हनन होगा, है ना, उन्हें बताना पड़ेगा भी आप किस इस जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जा सका जा रहा है, ये आप पर FIR दर्ज हुई है, इस प्रकार से आपको मतलब हम लेने आए हैं, ये वारंट है, ये अलग अलग प्रकार के सिस्टम होते हैं, वो आप रहने दो, ठीक है ना। उसके बाद आप नज़रबंद हो जाते हो, गिरफ्तार हो जाते हो, और आप वकील से सलाह लेने का आपका अधिकार है, आपके वकील से सलाह ले सकते हो आप, सलाह लेने का आपको अधिकार है। अगर आपको वकील
करने के आपके पास पेशे ही नहीं है, मान लो आप सक्षम नहीं हो वकील करने में, तो राज्य सरकार का मतलब राज्य के अंदर आपको पता है कौन सरकार आती है, पूरी के पूरी ग्राम पंचायत सारे के सारे नगर परिषद, वो तो राज्य का ये फर्ज बनता है, ठीक है। और ये वो क्या करेगा, दायित्व बनता है, क्या बनता है राज्य का दायित्व बनता है कि वो आपको एक वकील करके दे, सरकारी वकील आपका केस लड़ेगा फिर, है ना, समझ में आई बात भी। जैसे आपको गिरफ्तार कर लिया किसी ने, ठीक, गिरफ्तार हो गए लेकिन आप सक्षम नहीं हो वकील करने में, आप वकील की सलाह ले सकते हो, मेरे को इस तरीके से गिरफ्तार किया गया, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, है ना, वकील की सलाह, कानून का जानकार वो है, हम तो कानून के बारे में जानते नहीं, जैसे जैसे रगड़ा जाएगा पेला जाएगा, हो सकता है पूरी सारी उम्र जेल सड़े, तो वकील कानून का पढ़ा लिखा बंदा है यार, LLB कर रखी हो, जो भी कर रखी हो उन्होंने, उसकी सलाह लेने ले सकते हैं, लेकिन आपके पास वकील है ही नहीं, तो राज्य का मतलब 12 अनुच्छेद 12 में जो जिक्र किया था ना, राज्य का ये दायित्व बनता है भी आपको एक वकील की सुविधा दे, राज्य का वो ये दायित्व बनता है भी आपको एक वकील की सुविधा दी जाए, ठीक है। तो ये था आपका अनुच्छेद 22, क्लियर हुआ। देखो अनुच्छेद 19, 20, 21, 22, 19 के अंदर क्या था, 19 के अंदर आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से भाग दिए गए। 19 ए के अंदर अभिव्यक्ति या विचार की स्वतंत्रता थी, बी के अंदर बिना हथियार यानी निशस्त्र सभा बनाने की स्वतंत्रता थी, सी यानी संघ के अंदर संघ बनाने की स्वतंत्रता थी, संघ के बाद हमने पढ़ा था डी यानी चारों दिशाओं में घूमने की स्वतंत्रता थी। 19 ई यानी ईस्ट वेस्ट, यानी ईस्ट में जाओ वेस्ट में जाओ कोई दिक्कत नहीं, यानी आप कहीं पे भी निवास कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है ई में। एफ में संपत्ति का अधिकार था, फ्लैट लिया था लेकिन संपत्ति अपनी छिन गई, भैया फ्लैट अपना गया, ठीक है, अब अपने पास वो अधिकार नहीं रहा। और उसके बाद जी गोल्ड यानी सोने से हमने याद किया था, कोई व्यवहार कर सकते हो आप, कोई रोजगार कर सकते हो। 20 की बात आती है, 20 के अंदर 20-20 अपराध किए, 20-20 सजा मिल गई, यानी 20-20 अपराध 20-20 सजा, यानी 20 के में अंदर हमने पढ़ा भी अपराधों के समक्ष दोष सिद्धि का अधिकार है, हम किस किस प्रकार से एक बार में एक सजा उसी कानून से सजा, और एक हमें गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा, अपने खिलाफ अपने को गवाही देने के लिए मजबूर, यानी मेरे को मेरे खिलाफ गवाही देने के मजबूर नहीं किया जा। प्राणवदेहिक संरक्षण यानी प्राणवदेहिक यानी अपने प्राणों की रक्षा करने का हमें, या हमें हमारे शरीर की रक्षा करने का पूर्ण संरक्षण करने की हमें स्वतंत्रता है, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। गिरफ्तारी नज़रबंदी के समय हमें पूछने का अधिकार है भी हम किस अपराध में गिरफ्तार हो रहे हैं। दूसरी बात, हमें 24 घंटे तक क्या रखा जा सकता है, हवालात में रखा जा सकता है, थाने में रखा जा सकता है या पुलिस स्टेशन के अंदर। उसके बाद हमें न्यायालय में यानी कोर्ट के अंदर हमें पेश करना पड़ेगा 24 घंटों के अंदर अंदर। उसके अंदर हमने देखा यात्रा का समय और छुट्टी नहीं काउंट होती, कई बार हमने देखा होगा भी शुक्रवार को उठाते हैं भी 2 दिन की कोर्ट के आगे छुट्टी है, पेल दो रगड़ दो, है ना, बड़े बड़े लोग जो होते हैं उनको शुक्रवार को ही उठाया जाता है या शनिवार को उठाया जाता है, शुक्र की रात को उठाया जाता है ताकि 2-3 दिन उन्हें टाइम मिल जाए पूछने के लिए ना। गिरफ्तारी के कारण पूछने का अधिकार क्या है, तो गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार है, वकील से सलाह लेने का अधिकार है, अगर आपके पास मतलब जुगाड़ पानी नहीं है तो राज्य का यह दायित्व भी बनता है भी आपको वकील करके दे। तो ये स्वतंत्रता के अधिकार थे जो हमें पढ़ने थे, आपको किस किस प्रकार की स्वतंत्रता है, हो जाएगा क्लियर ना, ना रे ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको पढ़ना है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 22 पढ़ लिया क्या हमने, 23, 24 अनुच्छेद 23 और 24 क्या कहते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा अधिकार हमारा शोषण के एक्सप्लोजन विरुद्ध अधिकार, यानी कि आपका शोषण हो रहा है, ठीक है ना, शोषण हो रहा है आप पे, किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा है, उसके विरुद्ध आपको अधिकार क्या दिए गए हैं। और इसमें अनुच्छेद 23 क्या कहता है, अनुच्छेद 23 कहता है दुर्व्यवहार वलात
वह दुर्व्यवहार के विरुद्ध के समक्ष संरक्षण अधिकार लिख लो, ठीक है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, दोनों बातों में फर्क है। बाल श्रम यानी बलात् और बाल श्रम में फर्क है, इस बात को याद रखना। आप कहीं पे ये सोचो भी हाँ बलात् क्या है जी, ठीक है, बलात् और बाल श्रम दोनों में फर्क है। बाल श्रम के खिलाफ या बाल श्रम पर प्रतिबंध, बाल श्रम पर प्रतिबंध यानी इसको बंद कर दिया गया है, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हो दुर्व्यवहार पर प्रतिबंध, शोषण की बात हो रही है तो प्रतिबंध की ही बात करेंगे आप, है ना। दोनों में फर्क है, ठीक है। दोनों में क्या फर्क है, बलात् का मतलब जैसे आपने बलात्कार सुना होगा, एक शोषण ही है, ठीक है ना। बलात् का मतलब होता है जोर जबरदस्ती, बलात्कार, ठीक है ना, जोर जबरदस्ती। बलात् का मतलब है जोर जबरदस्ती, ठीक है ना। यानी आपको बल, बलात् का मतलब है बलात्कार, उस शब्द से, इस शब्द से आगे बना है बल, यानी बल के हिसाब से आपसे कुछ करवाया नहीं जा सकता। दुर्व्यवहार, आपके साथ गलत व्यवहार नहीं किया जा सकता, यानी गलत व्यवहार करने और बलात् श्रम बलात् शर्म कह सकते हो, ठीक है ना। दुर्व्यवहार पे आपको क्या कर रहे हैं, प्रतिबंध लगा दिया। इसमें क्या कह दे, बलात् मतलब बल के, बल का मतलब क्या हुआ, जो मतलब लोग बड़े लोग हैं वो छोटे कमज़ोर लोगों को दबा के कुछ भी नहीं करवा सकते, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है उनका, ठीक है ना। यानी कोई बड़ा लोग है, कोई पैसे के दम पे, बल के दम पे, किसी भी प्रकार यानी उसके पास पावर के दम पे वो किसी से कुछ नहीं करवा सकता, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। वो आप लोकल बंदे हो ना, तो आप पे जोर जबरदस्ती करके तो आपसे कोई काम करवाता है तो वो कानून के खिलाफ है। क्या है वो, कानून के खिलाफ है, क्योंकि वो क्या है, बंदे का शोषण के विरुद्ध अधिकार है, मौलिक अधिकार है आपका 23 नंबर। आपसे कोई जोर जबरदस्ती काम करवाता है तो आप सीधी रिट जाहिर कर सकते हो ना, दुर्व्यवहार नहीं कर सकता आपके साथ, चाहे बड़ा हो छोटा हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी आपके साथ मिसबिहेव नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो वो खिलाफ है, क्योंकि वो आपके मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। तो कोई दुर्व्यवहार, बलात् यानी जैसे दास प्रथा, किसी को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, इसके अंदर ये भी है, किसी को गुलाम बना के काम नहीं कराया जा सकता। दास प्रथा का अंत किसके तहत किया गया है, तो वो भी 23 के तहत दास प्रथा का अंत भी, किसी को दास बना के नहीं रख सकता, किसी को गुलाम बना के नहीं रख सकता कोई भी, ठीक है ना। कितना भी जब पहले जिम्मेदार होते थे, ये होते थे, अपने लट के दम पे ये करवा लेते थे, वो करवा लेते थे, ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं करवा सकता, क्योंकि आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार है। बलात् यानी बल के दम पे कुछ भी नहीं करवा सकता, दुर्व्यवहार नहीं कर सकता आपके साथ, तो उस पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार इतना ही है। बाल श्रम यानी आपको चाइल्ड लेबर जो होती है ना, यानी बाल श्रम का मतलब मजदूरी, छोटे बच्चे से मजदूरी नहीं करवा सकता, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से क्या नहीं करवा सकते, आप फैक्ट्री वगैरह में काम नहीं करवा सकते, चाय के डब्बे पे नहीं बेच सकते, है ना। तो चाय के डब्बे पे काम करने लग जाते हैं कोई, मतलब क्या करने लग जाता है कोई, फैक्ट्री में काम कर ले जाते, तो वो गलत है, ठीक है ना, वो गलत है। वो क्या है, मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, उस बच्चे के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है 14 वर्ष से, क्योंकि वो अभी तक नाबालिग ही नहीं हुआ, उसे क्या पता बेचारे को काम करना है, ठीक है ना। 16 वर्ष के बाद तो मान लो क्या हो सकता है, जैसे नेवी वगैरह की पोस्टें भी खुल जाती है तो वहाँ पे नौकरी कर सकता है बंदा, लेकिन 14 से कम किसी से काम नहीं करवाया जा सकता फोर्सफुली, ठीक है ना। उसे 14 साल तक हमने अधिकार क्या दिया है, पीछे अधिकार दिया था, पढ़ने का अधिकार दिया था निःशुल्क, है ना। और 14 वर्ष तक हम काम का अधिकार कैसे दे सकते हैं, तो काम करने का अधिकार नहीं है उसको, यानी उससे मजदूरी नहीं करवाई जा सकती। बाल श्रम का बच्चे से श्रम यानी काम, ठीक है ना, तो बच्चे से श्रम नहीं करवा, उसके पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी चाइल्ड लेबर जो है, यानी बच्चे से काम करवाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया सरकार ने, किस पे, 24 पे। तो 23 में
बलात् और 24 में बाल श्रम। बलात् और बाल में थोड़ा सा फ़र्क समझ लेना, ठीक है ना, बाल श्रम बलात् श्रम। तो 23 24 23 24 23 24, ठीक है ना, क्लियर हुई बात, ठीक है ना। सो 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। बलात् बल के दम पे कुछ नहीं करवाया जा सकता, और बाल यानी बच्चे से कुछ भी नहीं करवाया जा सकता, ये दोनों बात कहते हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। जोर जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बलात्कार भी उसी के अंदर आता है, क्लियर हुई। इतना था, आपने लेक्चर शायद लंबा हो गया होगा, लेकिन मज़ा आया होगा, पढ़ते रहिए, मज़ा आता रहेगा। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें, बढ़िया बढ़िया चीज़ें समझाएंगे आपको, और भी बढ़िया समझाएंगे हम जब एक एक चीज़ पढ़ेंगे आपको, ठीक है। तो एक एक चीज़ जब हम मेरे साथ पढ़ोगे तो आपका वो सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। एंटरटेनमेंट तो मैं नहीं करवाता, आपको पता भी है ना, मैं ये कहता शेयर करो, लाइक करो वीडियो, सब भाड़ में जाए यार, जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो, लेकिन बस आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ते रहिए बस। बस एक व्यू आए तो पढ़ाएंगे, दो आए तो पढ़ाएंगे, तीन आए तो पढ़ाएंगे, पाँच आए तो पढ़ाएंगे, 50 आए चाहे 50,000 आए तो पढ़ाएंगे, ठीक है ना। यानी पढ़ाने का मकसद यहाँ पे व्यू से मतलब नहीं, अगर एक बच्चा भी हमसे पढ़ रहा है ना तो भी हम अच्छे मानते हैं, और दूसरा हम पढ़ा रहे हैं, दूसरा हमारा भी ज्ञान बढ़ रहा है भैया, एक्सपीरियंस के हिसाब से हम ज्ञान हमें भी, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे अपना टाइम पास भी हो रहा है, गलत कामों के अंदर हमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे, आपको पढ़ा देते हैं उससे टाइम पास हो जाता है, एक दो ऑफलाइन क्लास लेते हैं वहाँ टाइम पास होता है, उसके बाद जॉब कर लेते हैं अपने, वहाँ टाइम पास हो जाता है, ठीक है ना। तो अपना टाइम पास अपने को जितना उसके बिजी रखना चाहिए, ताकि बिजी रखने के बाद आप क्या करो, मतलब उल्टे कामों के लिए आपका दिमाग भटके ना। आपके पास काम है तो आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, काम के बाद अगर आप फ्री रहते हो तो क्या करो, किताबें वगैरह से अपना लगाव बना लो। अब मैं मान लो फ्री रहूं, आपको ना पढ़ाऊं, गेम खेलूंगा, यूट्यूब चलाऊंगा, गलत चीज़ें देखूंगा, सही चीज़ें देखूंगा, हो सकता है मैं गेम की लत लग जाए मुझे, हो सकता है पार्टी वार्टी की लत लग जाए मुझे, ठीक है ना, बाहर दोस्तों में बैठना शुरू कर दूँ, मुझे वो लत लग जाए, तो मुझसे क्या हो जाएगा, मैं गलत रास्ते पर जाना शुरू हो जाऊँगा। तो इसलिए मेरा यही मोटिव रहता है, मैं अपने आप को जितना हो सके बिजी रखूँ, चाहे आपको पढ़ा के बिजी रखूँ, चाहे पढ़ के बिजी रखूँ, चाहे नौकरी करके बिजी रखूँ, यानी कोई ना कोई काम करना है, मेरा फ्री मैं बंदा रह ही नहीं सकता, ठीक है। आपने देखा होगा नौकरी लगने के बाद 2-3 साल हो गए भैया, मोटे हो जाते हैं, अपना तो कुछ नहीं हुआ, देख लो वैसे ही पड़े हम तो, आज से 2-3 साल पहले की वीडियो देख लो, अब की देख लो, ठीक है ना। उसका कारण है अपने आप को बिजी रखते हैं, आप एनर्जी जितनी हो उतनी वेस्ट करो, पहले खाओगे उसके बाद एनर्जी लोगे तो वह वेस्ट भी करनी पड़ेगी ना, तो उसको यूज करो, इस पर जोर डालो, कुछ नहीं होने वाला इसका, ये नहीं है लास्ट में तो वही लकड़ी उसमें जल जाएगा, तो थोड़ा जोर डालो, कामयाब हो जाओगे, और कामयाब होने के बाद आप भी ऐसा काम करोगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत स्टूडेंट हैं जो नौकरी लग गए उसके बाद पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन पढ़े हुए थे या ऑनलाइन पढ़े हुए। कल भी मेरे पास एक फ़ोन आया था, सर मैं पुलिस में लग गया, मैं बहुत बढ़िया बात है यार, उसने दिल्ली के अंदर लाइब्रेरी वगैरह भी खोली हुई थी, है ना, दिल्ली में लाइब्रेरी खोली हुई थी, और दिल्ली के अंदर वो पीजी वगैरह भी कर रहा था, ठीक है, और पढ़ा भी रहा था बच्चों को, तो इस प्रकार से भी, और पुलिस में लग गया, बहुत अच्छी बात है यार, कितनी खुशी की बात है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मुस्कराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।